इस वर्ष आश्विन मास का नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान और नियम संयम से की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पढ़े पहली देवी शैलपुत्री की कथा, आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठीं। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुहक से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन की जाती है माँ शैलपुत्री की पूजा। यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत है माँ शैलपुत्री की आरती। आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पूजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।